तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो कल की 2898 एडी की दोस्तों ओवरसीज की सिर्फ यूएसए प्रीमियर की एडवांस बुकिंग कितनी हुई है ये अभी रुको मैं आप लोगों को बताता हूं। एंड यहां पे भैरवा एंथम कितने बजे आने वाला है कल रात को मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी आप लोग यहाँ पे दोस्तों भूल जाते हो। मतलब एक दो कॉमेंट भी क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मतलब यह है कि आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो। भाई इंटरेस्टेड बनो, भैरवा का सॉन्ग कितने बजे आने वाला है ये मैं अभी आपको लोगों को बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले यार, कर लिया करो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ इसकी ओवरसीज में कितनी एडवांस बुकिंग हो रही है अभी यूएसए प्रीमियर की। भाई यहाँ पे कमाल हो चुका है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अभी मूवी को रिलीज होने में 9 दिन बाकी हैं और 9 दिन पहले ऐसा बिगेस्ट नंबर निकल के आए तो मैं क्या ही समझूं। यानी कि सिर्फ प्रीमियर में भाई 1.8 मिलियन डॉलर की नॉर्थ अमेरिका से इसकी एडवांस बुकिंग हो चुकी है सिर्फ प्रीमियर की। अगर डे वन का भी इसमें ऐड किया जाए तो भाई कहाँ बैठेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, डे वन की इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वर्ल्ड वाइड में ना पूरे वर्ल्ड की नज़र होंगी, पूरे वर्ल्ड, खासतौर से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की खासतौर से। चलो एक बार को हॉलीवुड वालों की इतनी ना होगी, क्योंकि हॉलीवुड वालों के लिए तो चलो ये होगा कि चलो अपने आ गए 10वें नंबर पे 11वें नंबर पे, लेकिन बॉलीवुड में तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे मामला जा रहा है। तो इसी वजह से मैं पोस्टर भी निकाला मेकर्स ने यहाँ पे, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, तो डिस्ट्रीब्यूटर के बिहाफ पे ये पोस्टर निकला, आप ये देख लीजिए 1.8 मिलियन डॉलर की यहाँ पे एडवांस बुकिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे देखा जाए कि भाई ट्रेलर टू के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही है, काफ़ी लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि ट्रेलर टू आएगा। मैं ये कहता हूँ ज़रूरत नहीं है इतनी। अभी क्या है, अभी आज आ रहा है देखो सॉन्ग, ठीक है। अब सॉन्ग की हाइप कम से कम 2 दिन तो चलेगी यानी, और मूवी को भी रिलीज़ होने में बचे हैं 9 दिन, यानी कि 2-3 दिन निकालो तो बचेंगे कितने, 6 दिन। 6 दिन पहले अगर ये एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना देखना था, जितना समझना था, जितना उस चीज़ में पागल होना था, उतना पब्लिक हो चुकी है। अब यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप एडवांस बुकिंग स्टार्ट करें इंडिया में, बात खत्म। मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मेकर्स यहाँ पे ट्रेलर टू को रिलीज़ करें, नहीं, ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेंट अपना दिखाने की कोशिश ही ना करें पब्लिक को। यहाँ पे अगर एक चीज़ भी, मैं कह रहा हूँ कि एक चीज़ भी पसंद नहीं आई ना, कहीं ऐसा ना हो कि पब्लिक यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाए। तो अभी जितना भी है, जो भी है, ठीक है, ये जितने भी ट्रेलर टू के बारे में वीडियोस बन रही है ना, ये सारे के सारे आप लोगों को बरगला रहे हैं, सारे के सारे आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। इसी वजह से ट्रेलर टू नहीं आएगा भाई, कहाँ से आ जाएगा। सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग 3 दिन तक हाइप चलेगी, 3 दिन तक उस बातें चलेंगी उसकी, फिर इसके बाद में एक दिशा पटनी का प्रभास का सॉन्ग है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सॉन्ग कुछ ऐसा ही लग रहा है, मुझे आगे पीछे लग रहा है, क्या करेंगे नहीं लगता, देना होता तो अब दे देते, क्योंकि वो गाना इस वजह से नहीं दे सकते क्योंकि उसमें जो एक सेट है पूरा, उस सेट से काफ़ी ज़्यादा रिवील हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना दें। लेकिन इन्होंने ये गाना रखा तो ये लास्ट में होगा, पोस्ट क्रेडिट सीन जैसे होते हैं मूवी के ख़त्म होते ही। फाइनली सॉन्ग आज 11 बजे रिलीज़ हो रहा है और 11 बजे आप लोग बिल्कुल बैठे रहना यहाँ पे शांत होके, गाना देखना है एंड यहाँ पे व्यूज़ बढ़ाने हैं और यहाँ पे रिकॉर्ड बनाना है, आप ये समझ लो। बस मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।